हेलो एवरीवन, तो हम लोग कल सुबह जा रहे हैं जिम कॉर्बेट, तो उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। हम लोग अभी पेट्रोल डलवा कर आए हैं और हमने गाड़ी में हवा चेक करवा लिया है और अब हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है बहुत तगड़े जोश ओर से। तो हम कल सुबह होपफुली 3 से 4 के बीच में निकलने का सोच रहे हैं, तो मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं कैसे रहता है हमारा ये जिम कॉर्बेट का ट्रिप और आप हमारे साथ चलिए चलिए देखते हैं कैसा रहेगा वहाँ का ट्रिप। सो ओके बाय, मिलते हैं जल्दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो हम लोग निकल चुके हैं कानपुर से जिम कॉर्बेट के लिए और यहाँ से अभी हम लोगों को अराउंड 9 hours and 10 minutes का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हम निकले हैं 3 बजे के अराउंड, तो 12:15 तक का टाइम है कि वी विल रीच देयर। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से दिल्ली से भी और लोग आ रहे हैं, तो वो लोग अराउंड 5 o'clock निकलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं, तो वो लोग थोड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं। मे बी दे विल ऑल्सो रीच बाय आर टाइम ओनली, तो देखते हैं कैसे पहुँचेंगे। आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग स्ट्रीम्स फॉर यू। बाय। ये देखिए हम लोग संडीला रोड पे जा रहे हैं और आप रोड की कंडीशन देखिए कितनी अच्छी है। आपको सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे, कोहरा और गड्ढे, और बीच में तो इतना बड़ा एक स्पीड बम्प आपको मिलेगा कि अगर आप स्पीड में हैं तो सीधा गड्ढे के अंदर ही जाएंगे। रोड्स की कंडीशन इज वेरी पुअर, तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो प्लीज अपनी सीट बेल्ट लगा के बैठेंगे यहाँ पे, तो आप सेफ रहोगे। स्पीड में ना चलाएं गाड़ी क्योंकि यहाँ की रोड्स बहुत ही ज्यादा खराब है और फॉग भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोड्स की कंडीशन इज वेरी पुअर। रोड्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यहाँ की। आप थोड़ी देर स्पीड पकड़ोगे उसके बाद फिर आपको गड्ढा मिल जाएगा और फिर आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा कवर कर लें डिस्टेंस क्योंकि फिर आगे ट्रैफिक हो जाएगा, बट हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज बीच में इतना बड़े बड़े बम्प्स आ रहे हैं कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और तब तक वो आ जाता है। बहुत गंदी रोड बने ऐसे रोड पहले देखी थी लेकिन वाकई में अभी भी कि देखिए कैसे सुनसान सा रास्ता है पूरा यहाँ का और गड्ढे भी मिलेंगे आपको एंड द रोड इज बिट स्कैरी। हम लोगों ने हनुमान चालीसा लगा रखी है ताकि हमें डर ना लगे। नहीं देखिए, ये देखिए कंडीशन देखिए आप रोड की, अगर आपने स्पीड पकड़ी तो यही आपके साथ भी होगा। ऐसे उछल उछल के आपको नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली है क्योंकि रोड इतनी अच्छी है कि आप सो ही नहीं पाओगे, आपको नींद की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पूरी रात जग के भी अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप ये बस सोचेगा कि आप कैसे जगोगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, यूपी गवर्नमेंट ने आपकी बहुत हेल्प कर रखी है। यहाँ पे गड्ढों को खोद खोद के उन्होंने आपको इतना जगाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। ये देखिए अगर थोड़ा सी भी आपने स्पीड पकड़ी तो आप सीधा जाएंगे अंदर। तो इतनी अच्छी रोड्स है कि मेरा बेटा भी नहीं सो पा रहा है, हम तीनों लोग जग रहे हैं क्योंकि इतने अप्स एंड डाउन्स हैं यहाँ पे, तो हम लोग सब जग रहे हैं क्योंकि हमारी रोड्स ही बहुत अच्छी हैं यूपी की और इतनी बढ़िया रोड्स हैं और कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कब से बनी रोड्स हैं ये शायद यूपी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होगा कि रोड्स कब बनी थी और इसको देखना भी है पलट के। देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है हमारा। अभी तो बीच में थोड़ा ठीक था लेकिन थोड़ा फॉग और ये जो रोड्स की कंडीशन है इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है। आई एम जस्ट होपिंग कि आगे की रोड्स थोड़ी हमें बेटर मिले। कानपुर टू जिम कॉर्बेट इज़ नॉट एन ईजी टास्क जो हमें रियलाइज़ हो रहा है अभी। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी हम लोग चलते जा रहे हैं। तो ये संडीला रोड हमने क्रॉस कर दी और अब हम यहाँ से लखनऊ रोड की तरफ आ गए हैं। अभी भी यहाँ से 7 hours है जिम कॉर्बेट, तो अभी यहाँ की रोड थोड़ी सी बेटर है। संडीला रोड जब हम पहुँचने वाले थे तब तो बहुत ही बुरा हाल था रोड्स का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बट हाँ ये जो रोड अब आई है दिस इज़ अ गुड रोड, थोड़ा ठीक लग रहा है। ये रोड का जर्नी हमको लग रहा है कि थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ का। बाकी तो अभी आगे मिलेंगे तो देखते हैं, अभी भी 7 hours है हमें पहुँचने में जिम कॉर्बेट। देखते हैं अभी कैसे कैसा रास्ता मिलेगा अभी हमको। तो दोस्तों हम लोग हरदोई सब्जी मंडी क्रॉस कर चुके हैं, 5:50 हो रहे हैं अभी और अब हम जो है चलते जा रहे हैं सीधा। अभी यहाँ पे रोड पे थोड़ी कंजेस्टेड है, ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाओगे, आपको स्लो स्लो ही होके यहाँ से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। चलती रोड है ये,
आप देख रहे हो ट्रैक्टर जाम और कुछ ना कुछ आ ही रहा है, बाइक्स भी आए, ऑटो भी है, रिक्शा भी है। देखिए रोड है ये, हरदोई क्रॉस करा अभी हमने, अभी भी हमारा कम से कम अभी भी बाय 11:45 ये दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। देखते हैं अभी कितने बजे पहुंचते हैं। तो ये हम N731 पर चल रहे हैं रोड पे, नेशनल हाईवे 71 पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ की रोड है बिल्कुल ठीक मिल रही है हमको। आगे ऐसे आपको बताया था कि वहाँ जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने ट्रैवल किया था वो रोड बहुत ही ख़राब थी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है और रोड भी बिल्कुल स्मूथ है, इट्स लाइक हाईवे, अच्छी रोड है यहाँ की। आप यहाँ पे आराम से जो आपका डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हो ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा जाम भी नहीं मिलेगा, क्राउडेड नहीं मिलेगा। बेटर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कानपुर, अच्छा रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, जितना आप सुबह निकलेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो आपका जो वो एरिया है जो इसमें बहुत क्राउडेड है और ट्रक व्रक चलते हैं वो एरिया आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, और पैडलर्स आपको मॉर्निंग में नहीं मिलेंगे, पर आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे आपको जो है पैडलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, और ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों को नींद आने लग जाएगी, स्वाभाविक है, टाइम ऐसा है, ठंड का अलग अलग ही ठंड हो रही है, और सुबह मॉर्निंग में हम 3 o'clock के निकले हुए हैं तो नींद तो आना स्वाभाविक है, और मैं और हस्बैंड कितना भी ट्राई करें लेकिन हम लोग सोने को धो गए थे बीच में कि नींद आने लग गई थी। तो उसका एक सीक्रेट है, आपको जगना है अगर तो यू कैन गो विद दिस रेड बुल, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ, बट या एक रेड बुल आप पी सकते हो और वो आपको जगा के रखेगी और आप आराम से ड्राइव कर पाओगे और सेफली आप जिम कॉर्बेट या किसी भी ट्रैवल में आप पहुंच सकते हो बहुत ही ईजिली। तो यू कैन गो फॉर दिस रेड बुल, चीयर्स। तो जैसे कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, हमको ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बट जो हमारे ड्राइवर हैं जो अभी दीदी ऐसे 3 घंटे से ऊपर हो गया है ड्राइव करते हुए और ड्राइव कर रहे हैं, तो उनसे भी ज़रा एक बार राय ले जाए कि हाउ ही इज़ फीलिंग आफ्टर ड्राइविंग 150 किलोमीटर्स इन नाइट, और अब जाके थोड़ा उजाला हुआ है और हमको क्लियर विजन हुआ है, वरना लाइट्स हमारे ऊपर पड़ रही थी। तो ओवर टू मिस्टर दुबे, व्हाट ही सेज अबाउट हिज ड्राइव एंड द वे वी हैव क्रॉस थ्रू। यस प्लीज। हेलो एवरीवन, और 3 घंटे में हम लोग 150 किलोमीटर चले, एवरेज अगर 50 का रहा है तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सड़कें बहुत ख़राब थी। स्टार्टिंग में जो 60 किलोमीटर था सड़कें एब्सोल्युटली रबिश, और पहली बार मैंने देखा ऐसे कि सड़कें इतनी ख़राब, मतलब हम लोग पहली बार ऐसे रूट से आ रहे, वरना यमुना एक्सप्रेस वे या लखनऊ आगरा से आते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे और कैसे पहुँचे, और आपको जिम कॉर्बेट तक पहुँचाएँगे आज, और फिर उसके बाद मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। अभी 2-3 दिन डेली आई विल अपलोड सम ब्लॉग्स जिम कॉर्बेट के, होटल के और सफारी के। आज सफारी भी है हमारी, बिकॉज सैटरडे संडे को इट वॉज फुल, तो हमने आज की ही बुक करवाई है, तो हमें यहाँ टाइम से पहुँचने का एक और रीज़न हमारे पास ये भी है कि हमें अभी सफारी करनी है जाके, तो उसके लिए भी हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी पहुँच के रेस्ट भी करना है थोड़ा सा, ताकि सुबह से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं तो इट्स वेरी टायरिंग ऑल्सो टू ड्राइव फॉर सो लॉन्ग। मिलते हैं फिर, जल्दी बात करते हैं अभी आगे, टडा। तो अब हम ये लखनऊ हरदोई शाहजहाँपुर एक्सप्रेस वे से निकल रहे हैं और शाहबाद क्रॉस हो गया है अब यहाँ। तो शाहजहाँपुर क्रॉस हो चुका है, अब हमने टर्न ले लिया है बरेली के लिए, अब हम बरेली की तरफ मुड़ गए हैं। अब यहाँ से अभी भी काफ़ी डिस्टेंस दिखा रहा है, तो देखते हैं आगे कितना दूर है अभी, चलिए चलते हैं फिर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्राइवर चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो थक चुके हैं अब, तो ड्राइवर चेंज हो गया है, तो नाउ आई एम ड्राइविंग। बीच में वो फॉग था जिसकी वजह से मैं ड्राइव नहीं कर पाई, तो अब यहाँ पे थोड़ा क्राउड है, लोग हैं यहाँ पे, नॉर्मल जो डेली गोइंग पीपल है यहाँ के लोग आने जाने वाले वो सब चल रहे हैं, बाइक स्कूटी ट्रक और सब चीज़ें यहाँ पे खूब चल रही हैं इस टाइम पे। मौसम इज़ ओके, वेदर ठीक है, बहुत ठंडा बहुत गर्म नहीं है, फॉग भी कम हो गया अब जैसे धूप निकलनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं अभी हमको कम से कम अभी भी 4 hours लगेंगे पहुँचने में, बिकॉज अभी रास्ता दूर है, देखते हैं फिर मिलते हैं आगे।
तो अभी हम लोग जो है जिम कॉर्बेट से 90 किलोमीटर्स की दूरी पे रह गए हैं। जैसे आप देख सकते हो फिर से जो रोड है वो बहुत ख़राब आ गई है। ये आई डोंट नो कौन सा रास्ता है, यहाँ से 6 किलोमीटर बाद भोजपुर आ जाएगा, बट ये रोड अगेन बहुत ख़राब है। बीच का रास्ता अच्छा मिला, रोड वर गुड और स्मूथ थी, जाम भी कम मिला कहीं कहीं जगहों पे। लेकिन अब यहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब है, आपको दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन हिल रही है लगातार, बिकॉज हर जगह गड्ढे बहुत हैं और पूरा टूटी फूटी रोड है। इट्स लाइक अ विलेज। तो 90 किलोमीटर्स रह गए, फिर मिलते हैं, अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कैसी रोड्स मिलने वाली हैं और स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम जिस रोड पे आए हैं यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक भी पड़ता है बीच में, तो अब हम रेलवे ट्रैक जो है फाटक बंद है यहाँ पे, तो हम उसके ओपन होने का वेट कर रहे हैं। तब तक क्रॉसिंग खुलती है तब तक हम लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं। तो यू टू एंजॉय टी विद अस। स्टिल हॉट। तो जिम कॉर्बेट यहाँ से 55 किलोमीटर्स रह गया है जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। नैनीताल और जिम कॉर्बेट में अराउंड 20-25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो अगर आप जिम कॉर्बेट आते हो तो वहाँ से आप नैनीताल बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि नैनीताल आपको यहाँ से बहुत पास पड़ेगा। अभी हम लोग बस निकल चुके हैं, बस हम पहुँचने वाले 55 किलोमीटर्स, बट इट्स शोइंग। और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कोसी रिवर के पास। अभी हम लोग हैं रामनगर के अंदर, एंटर किया है रामनगर के अंदर, कोसी रिवर में हम लोग हैं। और बस अब यहाँ से 10 मिनट्स 8 किलोमीटर्स के अराउंड हमारा होटल है। डेस्टिनेशन जिम कॉर्बेट पहुँच चुके हैं, अब मिलते हैं आपको जंगल सफारी पे। स्टे ट्यून्ड, बाय।